हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका और हमारे इस चैनल में। डॉक्टर पी के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपका दोस्त बताएगा कि सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल पेन में क्या क्या वर्जिस अगर आप थोड़ी थोड़ी ऑफ एंड ऑन करते हैं तो आपको गर्दन का दर्द से आप बच पाएंगे या दर्द है तो कम होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। देख के एक्सरसाइजेस करें, 2 बार 3 बार दिन में, हफ्ते में 5 बार, तो आप ये गर्दन के दर्द से बच पाएंगे। हम शुरू करते हैं नेक एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ योर नेक मसल्स। गर्दन की एक्सरसाइजेस ध्यान से देखें जरा। पहले स्ट्रेचिंग करेंगे हम, दोनों हाथ साइड में रखें, खींच के सीधा बैठें, दोनों हाथ साइड में रखें, साइड में खींच के रखें, नीचे की तरफ खींचें, वेरी गुड, और स्ट्रेट करें और खींचें, जमीन की तरफ हाथों को ले जाएं, गर्दन को आप सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ पूरा, कान को कंधे से लगाएं, ये इधर खींचें और ये इधर, शाबाश, रोक के रखें, 10 तक गिनें। अब सांस छोड़ते हुए इधर, अब ऐसे जब करेंगे तो ये हाथ इधर नीचे आना चाहिए। बीच में सांस ले रहे हैं, सांसों के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट है उसके, और पूरा ध्यान आपका गर्दन पे ही होना चाहिए। वेयर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, तो वहाँ पे पूरी आपकी एनर्जी गर्दन में ही आ जाएगी एंड हीलिंग फील विल बी बेटर, जैसे हमने पहले वीडियोज में बताया। तो आपने जैसे नए कान को कंधे पर लगाया पहले वाले में, तो हाथ को इधर खींचा, दूसरे में ऐसे करें, कान को कंधे से थोड़ा आगे ले आएं, कान को कंधे से पीछे ले जाएं, वेरी गुड, ऐसे इधर भी कान को जैसे आप कंधे पर ले आए थे वैसे ही कंधे से थोड़ा आगे भी ले आएं और इस कंधे को इधर खींचें, स्ट्रेच। कोई किसी की अगर हेल्प ले सकते हैं तो और भी अच्छा है, जितनी आपकी स्ट्रेचिंग होगी उतनी आपकी, ऐसे ही कान को हमने कंधे के पीछे ले गए और ऐसे स्ट्रेच किया 10-10 बार, इन सब तीनों को करें, ऐसे सांस लेते हुए छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, लेते हुए पीछे जाएं, धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे, विद फुल अटेंशन इंटीग्रेटिंग माइंड बॉडी एंड ब्रेथ। सांस ले रहे हैं, पीछे की तरफ जा रही है, धीरे धीरे पूरा ध्यान गर्दन पर है हमारा ध्यान। नॉर्मली एक्सरसाइजेज हम जब पहले जब तक हम मेडिकल साइंस में थे, स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए थे, जब तक हम बस सिंपल एक्सरसाइज करते थे विदाउट अटेंशन, माइंड वहाँ पे नहीं होता था और ब्रीदिंग का कोई कोरिलेशन नहीं था, ओनली बस एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम ब्रीदिंग के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और अटेंशन पूरा उसमें रखेंगे, आपकी बॉडी तो मूवमेंट कर रही है, बॉडी ब्रेथ एंड माइंड, बॉडी तो ये हो गया गर्दन, ब्रेथ श्वास ले रहे हैं, एंड माइंड मीन्स पूरा आपका अवेयरनेस, पूरा फोकस यहीं पर है, तो पूरी एनर्जी वहीं पर आ जाती है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। नॉर्मल हमने मेडिकल साइंस में तो यही सीखा था, एक्सरसाइज करो, गर्दन पीछे आगे करो, ये करो, लेकिन अब जब से स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइंस को जोड़ा है तो अब ये चीज़ें आई है, तो और ये हम अपनी प्रैक्टिस में भी अपने पेशेंट को बताते हैं तो उससे उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा, आप चिन को, ठोड़ी को कंधे तक लाएंगे, रोक के रखें, वेरी गुड, चिन को दूसरे कंधे पर लाएं, पूरा होल्ड करके रखें, एक तरफ आप सांस छोड़ रहे हैं, बीच में ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, श्वासों के साथ करें पूरा ध्यान अपने, तो इससे आपको ध्यान भी अच्छा लगेगा। आधुनिक विज्ञान और स्पिरिचुअल सुपर साइंस, आध्यात्मिक सुपर विज्ञान का अनूठा संगम इसके, फिर इसके अलावा आप दोनों कंधे ऊपर करें, हाँ, इसमें कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है और गर्दन की भी हो रही है, वेरी गुड, ये किया आपने। अब दोनों हाथों को आगे लाएं, जैसे पीटी करते थे पहले, खड़े होकर कर सकते हैं, इससे आपका गर्दन कंधे दोनों मजबूत होंगे। सिंपल एक्सरसाइजेस बट रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। आगे पूरा ऊपर करें, खींच के स्ट्रेच साइड में करें, इसमें आपकी गर्दन कंधे दोनों को फायदा होगा, ये करें। इसके अलावा आप, हाँ जी, एक हाथ रखें साइड में, ये स्ट्रेंथनिंग हो रही है, वो स्ट्रेचिंग की थी हमने, अब स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसमें गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, गर्दन फिक्स रहेगी आपकी,
आपने हाथ से सर को धक्का दे रहे हैं, रोक के रखें, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, एक दूसरे को कैसे हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे हम पंजा लड़ाते हैं ना जैसे, तो आप इसको धक्का दे रहे हैं, सिर को, सिर से आप हाथ को दबा रहे हैं, हाथ से सर को दबा रहे हैं, बट गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट शुड बी स्टिल। शाबाश, दूसरी तरफ करें, 10-10 बार ये करें, कभी स्ट्रेचिंग कर लो, कभी स्ट्रेंथनिंग कर लो, कभी टाइम है संडे को वीकेंड्स पे दोनों कर लो, गर्दन ठीक रखनी है तो, और फिजियोथेरेपी सेंटर में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, डॉक्टरों के यहाँ जाना है, वेटिंग करनी है, केमिस्ट के यहाँ भी लाइन लगी हुई है, लैब में भी लाइन लगी हुई है, क्लिनिक्स में भी लाइन लगी हुई है, तो आपकी लाइफ तो ऐसी गुजर जाएगी और हासिल कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, जो असली कड़वा सच तो यही है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ पे आपका दोस्त ज़्यादा ध्यान देता है एंड टोटल हेल्थ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमें थोड़ा प्रोत्साहित करें, आप हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आप अगर शेयर करेंगे तो। इसके अलावा हाँ जी, दोनों हाथ पीछे ऐसे ही एक दूसरे को अगेंस्ट प्रेस करेंगे, आप सिर से हाथों से सर को प्रेस कर रहे हैं और सर से हाथों को पीछा धक्का दे रहे हैं, लेकिन गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। 3, नंबर 4 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ठोड़ी पे हाथ लगाएं, चीन को धक्का दें, रोक के रखें, पूरा 100% पूरा ध्यान आपका गर्दन पे हो, छोड़ दें, दूसरे हाथ से करें। तो ये 4 आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई, 4 स्ट्रेचिंग हो गई थी, बाकी पीटी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आप अपने सर्वाइकल पेन से निजात पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू।